छोटे भाई प्रमोद सिंह जी मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, गाड़ी आप लोग रास्ते में से हटा लीजिए भाई साहब, जो लोग गाड़ी बाबू पीछे छा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितला धाम मधुरापुर। सितला धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर पिछले 45 साल से ग्राम सभा लोझार में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन एवं मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि भैसही बाजार हाटा के पास है लोझार। आज के ब्लॉग वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुश्ती दंगल मेला प्रतियोगिता लोझार कि इस ग्राम सभा के लोग कितने तैयारी से इस मेले का आयोजन करते हैं, जो कि प्रधान के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे ग्राम सभा लोझार में। तो हम करीब 50 मिनट बाद लोझार ग्राम सभा पहुंच गए हैं। ये है कुश्ती दंगल मेला का ग्राउंड जिस पे कुश्ती खेला जाएगा। तो ग्राम सभा के सभी सम्मानित लोग, प्रधान प्रतिनिधि समेत, जो कि प्रधान प्रतिनिधि रामशरण गौड़ जी, इस समय सभी सम्मानित लोगों के द्वारा दंगल भूमि पूजन किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि अगरबत्ती कपूर जला करके वीर बजरंग बली का आराधना किया गया और आपके स्क्रीन पे इस समय पूजा पाठ अर्चना किया जा रहा है ग्राम सभा लोझार में। इस कुश्ती मेले के मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा जी को निमंत्रण दिया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका अभिवादन करते हुए, और सम्मानित लोग हाटा विधायक मोहन वर्मा जी को सम्मानित करते हुए उनका अभिवादन करते हुए, ये काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं कुश्ती के चारों तरफ। प्रांगण के चारों तरफ काफ़ी लोगों की भीड़ है। आप देख सकते हैं कि कितना लोग, जो कि पिछले 45 साल से इस मेले का आयोजन ग्राम सभा के लोगों के द्वारा अनवरत किया जाता रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग इस मेले में आए थे। एक दिन का मेला लगता है शुभ दीपावली के एक दिन बाद। और अब पहला प्रतियोगिता, पहला दंगल मेला आपके स्क्रीन पे। ये दोनों खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं। पहला दंगल का पहला जोर समय 5 मिनट दिया गया था। काफ़ी नियम होते हैं इस कुश्ती के। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम सभा लोझार का कुश्ती दंगल मेला प्रतियोगिता। ये जो सफ़ेद धोती कुर्ते में हैं वो कुश्ती के निर्णायककर्ता यानी अंपायर आप कह सकते हैं। देखिए कुश्ती कितनी जबरदस्त खेली जा रही है। दोनों खिलाड़ी, दोनों पहलवान बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं वीडियो में। इस कुश्ती मेले में काफ़ी दूर दराज से पहलवान को निमंत्रण दिया गया था और काफ़ी सारे पहलवान आए हुए थे। आप ये मेला का वीडियो है, इसके बाद और वीडियो आना बाकी है, उसमें आप कुश्ती दंगल मेला का हर एक प्रतियोगिता आप देख सकते हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पे अभी भी पहला जोर चलता हुआ, जो कि दोनों प्लेयर काफ़ी मजबूती के साथ लड़े थे और बिल्कुल बराबरी के थे। आप वीडियो बने रहिए और देखिए लास्ट तक, इस मेले के वीडियो का आनंद उठाइए। और कुश्ती देखते वक्त जितने भी लोग बाहर थे, मतलब बाहर से देख रहे थे,
काफ़ी कमेंट कर रहे थे क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा था, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, जो कि सभी आए हुए दर्शकों को करना चाहिए। और बिल्कुल बराबरी की कुश्ती आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई बार उसका उठा के पटका लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये पहली कुश्ती आपकी स्क्रीन पर चलती हुई, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा है एक खिलाड़ी और आप उठा के पटक दिया और इस तरह से अंपायर ने इशारा करके विजय का। ये दूसरा खिलाड़ी दूसरा जोड़ी चल रहा है स्क्रीन पे। भाई साहब जो रास्ते में गाड़ी लगाए हैं उसको हटा दीजिए, आने जाने में परेशानी हो रही है, मोटरसाइकिल और साइकिल रास्ते में से हटा दीजिए। ये पहलवान अखाड़े पर जो टहल रहे हैं इनके बराबरी का, अगर कोई इनसे लड़ना चाहता है तो आ जाए अखाड़े पर। गाड़ी आप लोग रास्ते में से हटा दीजिए भाई साहब, जो लोग गाड़ी रास्ते में लगाए हैं उसको हटा करके किनारे कर दीजिए। इस मेले में काफ़ी दूर दराज से पहलवान आए थे, उनकी सभी लोगों को जो भी लोग बाहर से आ रहे थे उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना था कुश्ती लड़ने के लिए। और ये दोनों लड़के काफ़ी अच्छी तरह से कुश्ती लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबरी का जोड़ है। और बाहर से जितने भी लोग देख रहे थे बहुत ही उत्साहवर्धन कर रहे थे, बहुत ही खुश थे। काफ़ी सफल आयोजन इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। और ये जो सफ़ेद शर्ट में और केसरिया कलर के लोअर में जो खिलाड़ी टहल रहे हैं वो इसलिए टहल रहे हैं कि उनके जोड़ का अगर कोई खिलाड़ी हो इस कुश्ती को देख रहा हो तो आके आप हमसे लड़ सकते हैं। वो मतलब एक खुला चैलेंज है कि जिसको भी लड़ना है आप हमसे आके लड़ सकते हैं अगर मेरे जोड़ या बराबरी का है तो, इसलिए वो टहल रहे हैं। और अभी भी कुश्ती चलता हुआ अंपायर महोदय काफ़ी अच्छी निगाहों से देख रहे थे और बिल्कुल शांत वातावरण में कुश्ती खेला जा रहा है ग्राम सभा लोझार। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हुई है और इस कमेटी के द्वारा कितना सुंदर एवं बढ़िया व्यवस्था किया गया है बैठने का। हालांकि थोड़ी सी धूप जरूर थी लेकिन कमेटी की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कहा जाता है एक मेले के लिए, जितना इस कमेटी ने किया काफ़ी बढ़िया व्यवस्था किया था। और ये दुकानें लगी हुई हैं, अभी मेला प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे चल रहा है, उसके तुरंत बाद आपको मेले का भी वीडियो देखने को मिलेगा। आगे आप बस वीडियो बने रहिए, देखिए कितने शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक ग्राम सभा में कुश्ती हो रहा हो और वहाँ पे इतने शांति से लोग बैठे हुए हैं। अभी भी कुश्ती चलता हुआ आप स्क्रीन पे उठा के पटक दिया है, देखिए कितना बढ़िया जोड़ छोड़ के बीच में बाकी है और बीच में ताली बजा के लोग स्वागत करते हुए और एक तरफा मुकाबला में जीत लिया है इस खिलाड़ी ने। और जो कमेटी द्वारा बहुत ही शानदार उपहार रखा गया था और नगद इनाम राशि रखी गई थी। काम सवारे यादव के सुपुत्र बीच में बाबू बीच में पधारे हुए हैं, हम उनका कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं। और जो पहलवान लड़ने के लिए आए हुए हैं आप लोग अखाड़े पर आइए।
इस तरह से लगभग 2.5 से 3 घंटे तक कुश्ती की प्रतियोगिता लगातार चली और काफी सारे खिलाड़ियों ने इस मेले में कुश्ती में प्रतियोगिता में भाग लिया और इनाम राशि जीत करके अपने घर को वापस चले गए। ये हैं ग्राम सभा लोझार व परसा के ग्राम प्रधान अतुल गोंड, जिसकी अगुवाई में कार्यक्रम को संपन्न किया गया और सुचारू ढंग से चलाया गया। अब कुश्ती का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आपको मेला में चलते हैं। देखिए मेला में काफ़ी तरह की दुकानें आई हुई थी, काफ़ी भीड़, शाम के समय मेला लगा था यहाँ पे। काफ़ी अगल बगल के कई गांवों के लोग पहुँचे थे मेला करने के लिए। सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे, खाने पीने की वस्तुएं सभी तरह से मिल रही थी। काफ़ी लोगों की भीड़ थी इस ग्राम सभा लोझार के मेले में। खाओ खाओ, कपड़ा पर नहीं दिखेगा। तोड़ के खाओ, तोड़ के। हाय कर दो, हाय तुम भी हाय करो। तो अब मेला का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। आप हमारे YouTube चैनल शीतला धाम मधुपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे का लाल वाला बटन दबा करके बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑन कर लें। हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। कृपया मेरे चैनल शीतला धाम मधुपुर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।